मथुरा में पड़ोसी राज्यों से होने वाली अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। आए दिन पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में तस्कर और लाखों रुपए की मादक पदार्थ बरामद किए जाते हैं, लेकिन अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सभागार में शनिवार को कराई गई पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधिकारियों ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। जनपद की स्वाट टीम और थाना सेगढ़ की पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक तस्करी की जा रही शराब का एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। एक ट्रक जिसमें 320 पेटी शराब जो 750 ml और 500 ml के डिनोमिनेशन पे जो बोतलें थी उसको बरामद किया है। इसकी बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 24 लाख रुपए थी। ये सोनीपत हरियाणा से आ रही थी, चंडीगढ़ मेड इसमें प्रदर्शित है और ये छत्तीसगढ़ जाने वाली थी। एक अपराधी दीपक बडोला इसमें पकड़ा गया है, ये नेपाल का रहने वाला है। इससे कुछ डिटेल मिली है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और सप्लाई साइट में जो अभियुक्त हैं, साथ ही साथ जहां ये जा रहा था कंसाइनमेंट, जहां जा रहा था जो डेस्टिनेशन था उस साइट में भी जुड़े जो लोग हैं उनकी हम लोग उनका नाम जो है हम लोग पता करके उनको प्रकाश में लाएंगे तथा उनको भी गिरफ्तार करेंगे। साथ ही साथ इस तरह के ऑफेंसेस में हम लोग गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और अभी इस अभियुक्त की गिरफ्तार किया गया, इसको जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई। अब देखना होगा कि पुलिस और आबकारी विभाग आगामी नगर निगम चुनावों में क्या शराब की तस्करी को पूरी तरह रोक पाएगी। ये थी मथुरा से हमारे संवाददाता अनुरुद्ध शर्मा की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे जुडू।